या बुजुर्ग हैं, हम उस नेता को वोट नहीं देना चाहेंगे जो भरी सभा में बैठ के प्रधानमंत्री को आंख मारते हैं। इस सौगंध के साथ मैं कह रहा हूँ, यहाँ आने से पहले मैं एक ज्योतिषी से आज मिल रहा था, उसने कहा कि आपकी कुंडली में अंगारक योग है, यानी जिसका आप भला करेंगे वो आपका बुरा जरूर करेगा। ये पूरा देश जानता है कि इंडो यूएस न्यूक्लियर डील के विरुद्ध हमारे बड़े भाई, अब नेता तो नहीं रहे, बड़े भाई रहे थे हैं और रहेंगे, वो आदरणीय मुलायम सिंह जी, कट्टर गैर कांग्रेसवाद के प्रवर्तक। और ये बात मैंने प्रियंका जी की उपस्थिति में, हम और मुलायम सिंह जी बैठे थे तो हमने कहा मैं आपका विरोधी नहीं हूँ, लेकिन हमारे बड़े भाई आपके बड़े भारी वैचारिक विरोधी हैं, गैर कांग्रेसवाद की उपज उनके सामने ही कहा था मुलायम सिंह जी के। तो मैंने सरकार बचाई, मैं स्पष्ट कहता हूँ, और कलाम साहब के कहने से बचाई। कलाम साहब से बड़ा विद्वान कोई नहीं था उस क्षेत्र का। उन्होंने कहा कि यह राजनीतिक फैसला नहीं था, राजनीति में हमारा नुकसान था, मुलायम सिंह जी हमारे विरोध में थे कि तुमको क्या मिलेगा। हमने कहा हर चीज़, हर इशू लेन देन का नहीं होता। कलाम साहब कह रहे हैं कि यह डील भारत के लिए ज़रूरी है और यह डील तब तक नहीं होगी जब तक ये सरकार नहीं बचेगी। वामपंथियों से हमारा ऐतिहासिक अलगाव उसी निर्णय के कारण हुआ और वो डील हमने बचाई। आदरणीय रेवती रमन सिंह का वीडियो आया पैसे के लेन देन के बारे में, मेरा न ऑडियो आया न वीडियो आया न कोई बात आई, लेकिन तिहाड़ जेल में लेटाया किसको गया? अहमद पटेल और चिदम्बरम द्वय द्वारा अमर सिंह को। और सवेरे रिकॉर्ड बजता था, मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, वो बुराई करें हम भलाई करें ताकि हंसते हुए निकले दम। ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, इस बात को राहुल गांधी भी नहीं काट सकते, सोनिया गांधी भी नहीं काट सकती। 61 करोड़ रुपये का इनकम टैक्स का मामला अब भी हम लड़ रहे हैं, आदरणीय लुंगी धारी श्वेत वस्त्रधारी संत पी चिदम्बरम द्वारा अब भी लड़ रहे हैं, और इनकी सरकार बचाने के बाद आज भी लड़ रहे हैं मामला। अब आप कहें राहुल जी आ गए, सरकार बचाई। आप जो शेर शायरी का दौर चल रहा है तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि हाँ, यही प्यार की आबरू, हम वफा करें वो जफा करें, जो वफा भी काम ना आ सके तो कोई बताए हम क्या करें। अमर सिंह जी का मैं व्यक्तिगत तौर से बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ, मतलब बहुत अच्छे संबंध हैं मेरे इनके, इन्होंने ये बात मुझे पहले भी बताई थी। लेकिन ये कहानी क्या है? कहानी ये, देश हित में न्यूक्लियर डील हो रहा है, कलाम साहब ने कहा न्यूक्लियर डील ला रहे, मनमोहन सिंह जी आपने उनका जिक्र किया, विपक्ष कर रही है भाजपा, गुनगा रहे भाजपा के, कहा भाजपा न्यूक्लियर डील का विरोध नहीं कर रही है, मोदी जी उसको आगे लेके गए पार्लियामेंट में, साहब मोदी जी तो सिंह जो हुआ पार्लियामेंट में, नोट ले आए पार्लियामेंट में, भाजपा कंप्लेन करी, भाजपा पुलिस कंप्लेन करी, भाजपा गलत है कांग्रेस, खैर कोई बात नहीं, अमर सिंह जी मैं आपका बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन 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 मैं भी एक चीज नहीं, इंटरफेरेंस अलाउड है, आप हमारे पार्लियामेंट का मामला, उसका जज स्पीकर होता है, पुलिस नहीं होती है। सही बात। अगर स्पीकर का निर्णय अंतिम निर्णय होता है, स्पीकर सोमनाथ चटर्जी ने अपने करियर को दांव पर लगाकर मर गए, अभी हाल में हमारे मित्र थे, उन्होंने हमें क्लीन चिट दी, एक संसदीय समिति ने जांच की, क्लीन चिट दी, लेकिन कांग्रेस ने इस मामले को गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने विशेष रूप से पुलिस को दिया। अगर यह मामला पुलिस का है ही नहीं, अगर पुलिस को परम आदरणीय पूजनीय पीवी नरसिंह राव को झारखंड मुक्ति मोर्चा का मामला अगर पुलिस को दे देते पी चिदम्बरम जी, वो पुनः जेल यात्री हो जाते, नरसिंह राव भी जेल जाते, लेकिन चूंकि स्पीकर ने उनको भी क्लीन चिट दी इसलिए वो क्लीन हो गए। विशेष रूप से हमारे प्रति विशेष अनुराग है पी चिदम्बरम जी का, इसलिए उन्होंने हमारे मामले को दिल्ली पुलिस को दे दी। अगर कांग्रेस पुलिस का इस्तेमाल कर सकती है तो जाहिर तौर से आज भाजपा कर रही है सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल, पहली बात। दूसरी बात, फिर इंटरफेरेंस अलाउड, छोटा सा तेरा मेरा शीशे का घर, मैं भी सोचू तू भी सोच, फिर तेरे हाथ में
अब वक्त है जनता के सवालों का। अब जनता हमारे मेहमानों से सवाल कर सकती है। चाचा भतीजे का तो गठबंधन चलानी जी। वो राहुल गांधी से गठबंधन करके काम चला लेगा क्या? अदर पार्टी लेकर चलेगा? पहले तो अपने घर को तो संभाला जाए। हम राजनीति करते हैं सर, उसको परिवारवाद की खांचे में आप डालते हैं। हमारा नेतृत्व है परिपक्व नेतृत्व है, युवा नेतृत्व है, युवाओं की बात करेगा और देश के स्टेट्समैन उभर रहे हैं। इसमें चाचा भतीजा एंड ऑल दैट, मतलब ये शब्द भी बहुत रेलेवेंट आज के दिन में नहीं। आपने ये चीज़ कही थी कि आप किसको वोट देना चाहेंगे, नेता को या पार्टी को? सर इतना मैं जानती हूँ यहाँ पे जितने युवा हैं या बुजुर्ग हैं, हम उस नेता को वोट नहीं देना चाहेंगे जो भरी सभा में बैठ के प्रधानमंत्री को आंख मारते हैं। वामपंथी और ममता बनर्जी एक साथ आ गए, मतलब ये तो अच्छे दिन हुए ना आपके कि विरोधी भी मिल गए एक साथ। दूसरी बात, मैं शहजाद पूनावाला जी का मतलब समर्थन करना चाहूँगा कि इन्होंने आवाज़ उठाई, क्योंकि पार्टियों में कहते हैं कि युवाओं की पार्टियाँ, ये भी तो युवा हैं। अगर इन्होंने इलेक्शन लड़ने की अगर बात कही तो इसमें गलत क्या? इनको हटा दिया, जनता में से अगर कोई बोले तो वो उसका उस पार्टी का हो जाता है, तालियां बजाए तो वो उस पार्टी का हो जाता है। गठबंधन से ये कहना चाहता हूँ, अगर वो 15 लाख की बात नहीं कर रहे, बीजेपी वाले कुछ नहीं कह रहे, आप अपना रोडमैप तो बताइए कि आपका रोडमैप क्या है। वो तो बताना ही पड़ेगा। और एक हर युवा को अधिकार है कि देश की जो कमिंग गवर्नमेंट हो या जो वर्तमान गवर्नमेंट है, जो भी रहे, उसका रोडमैप क्या होगा, देश के लिए करेगा क्या, युवाओं के लिए करेगा क्या, देश के सर्वांगीण विकास का लक्ष्य निर्धारण के क्या क्या कारक होंगे, क्या क्या मानक होंगे। निश्चित तौर पर ये घोषणा पत्र जब जारी होगा तो उसमें सभी बिंदुवार चीजें स्पष्ट तौर पर निहित होगा और वो पीपल डोमेन में होगा। क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टियां जब चुनाव में जाती है गठबंधन, तो उसका अपना एक घोषणा पत्र होता है जो पीपल के साथ उसका एक रणनामा होता है, एग्रीमेंट होता है। उन चीजों की झलक आप निश्चित तौर पर देखेंगे, वो आपकी स्वतंत्रता होगी कि हम चुने, किसे चुने, किन हालात में चुने, ये आपके विवेक पर निर्भर करता है। आपका अच्छा प्रश्न है, मैं आपके प्रश्न का समर्थन करता हूँ। ये रोज चिल्लाते हैं कि 80 का पेट्रोल हो गया, 70 का, 90 का पेट्रोल हो गया। हिंदुस्तान की जो टोटल जनसंख्या है 135 करोड़ है, उसमें से मुश्किल से 15 करोड़ आदमी होंगे जो पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, और जो पैसे जो बचते हैं, 15 ही होंगे 25 होंगे, जो पैसे एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं वो देश के ही हित के लिए लिए जा रहे हैं, देश में ही खर्च किए जा रहे हैं, कहीं बाहर नहीं जा रहे। आपने कभी ये कहा है कि जो हमारी रसोई में जितने भी आइटम हैं, कोई से का रेट बता दीजिए जो बढ़ा हुआ हो, आपका दाल बता दीजिए मुझे। आपने सवाल पूछा कि वो पेट्रोल के पैसे का क्या हुआ, एडिशनल पैसे दिए? भाजपा कहती है वो पैसे हमने यूपीए का कर चुका है। 12 लाख करोड़ आपने ज्यादा दिए, 12 लाख करोड़ का ना हिसाब दिया और सिर्फ कर्ज चुका है 3,500 करोड़। मैंने इनके पार्लियामेंट्री फिगर्स कहते, तथ्यों पे बात करता हूँ। तीसरी चीज, आज आप कहते हैं रसोई का आइटम, मैं एक ही आइटम से अपनी बात खत्म करता हूँ। जब मनमोहन सिंह जी $140 ऑयल था, गैस बेच रहे थे 300 रुपये में, 400 रुपये में गैस का सिलेंडर देते, आज वही गैस का सिलेंडर 800 रुपये में मिल रहा है। फिर बदलने का प्रयास प्रधानमंत्री जी ने किया, यदि मुद्रा योजना में 8 करोड़ लोगों ने रोजगार लिया है, जिसमें कि 5 करोड़ के लगभग फर्स्ट टाइमर है, तो इसका मतलब कोई ना कोई नए रोजगार का सृजन हुआ है। देखिए, भारत एक व्यवस्था परिवर्तन से गुजर रहा है। जैसे मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, जो हम लोग इंजीनियरिंग से पास आउट होकर निकले थे तो उस जमाने में मंडल कमीशन के बाद का बड़ा दौर था, सारा का सारा झगड़ा किस बात पर था, नौकरी, नौकरी क्या होगी। तो उस समय नौकरी का मतलब सरकारी नौकरी, रिजर्वेशन हो गया तो खत्म हो गया, तो अब फिर अब अंतर क्या हुआ कि प्राइवेट सेक्टर में बड़ी नौकरियां आई। देखिए, भारतीय राजनीति में सीनियर होना आजकल बहुत बड़ा अभिशाप है। लेकिन इसलिए सत्य है, इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लाए हैं तूफान से किस्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल, तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के। तो हमने जो अनुभव किया है, जब धारा बदली है, कुछ लोग किताब पढ़ के बदलते हैं, कुछ लोग दूसरों को सीख के बदलते हैं, और कुछ लोग ठोकर खा के बदलते हैं, तो मैंने भोग के बदला है। यह कहना कि बीती ताई विसार के आगे के सुधले, तो मैं भी ये कहूँगा कि आदरणीय मोदी जी ने, स्मृति ईरानी ने उनको विरोध में प्रदर्शन किया था गुजरात के दंगों के बाद, उनको मंत्री बनाया। तो राजनीति का खेल अभूतपूर्व, कभी तुम भूतपूर्व कभी हम भूतपूर्व, इसीलिए शालीनता बनाए रखिए, लड़िए, लेकिन दरवाजा भले बंद कर दीजिए, रोशनदान खुला रखिए ताकि हवा रोशनी आने का जरिया बना रहे। होंगे श्री देवगौड़ा जी, हमारे मित्र, देश के पूर्व प्रधानमंत्री,
और उनके साथ एक हमारे दोस्त थे, हम उनको मजाक में सीएम इब्राहिम उनका नाम था, हम उनको कहते थे चंदा मामा इब्राहिम। तो वो बहुत शक्तिशाली मंत्री थे कर्नाटक से, अभी हमारे बीच में जीवित नहीं है। सरदार जोगेंद्र सिंह सीबीआई के निर्देशक थे। सरदार जोगेंद्र सिंह चंदा मामा इब्राहिम के बहुत घनिष्ठ व्यक्ति थे और उनका सौजन्य से सीबीआई के निर्देशक बने थे। उन्होंने सिर्फ लालू जी को नहीं, हमारे बड़े भाई नेता नहीं मुलायम सिंह यादव को भी फंसाया था। और ये मोदी जी का कार्यकाल नहीं था, देवगौड़ा जी का कार्यकाल था। देवगौड़ा जी, सीएम इब्राहिम और बेनी प्रसाद वर्मा, एक षड्यंत्र चल रहा था कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री मुलायम सिंह हो गए, मुख्यमंत्री बेनी वर्मा बने। और चारा घोटाले में लालू जी को और आयुर्वेद घोटाले में मुलायम सिंह जी को अनावश्यक रूप से मोदी जी की सरकार ने नहीं, देवगौड़ा जी की सरकार, उनके सीबीआई के डायरेक्टर जोगेंद्र सिंह ने चार्जशीट करने का प्रयत्न किया था। उसी संदर्भ में मुलायम सिंह जी ने, जब अखिलेश जी कह रहे थे कि बाहरी आदमी, तो उन्होंने कहा कि 3.5 साल की अनावश्यक रूप से जेल होती, हम फंसते अगर अमर सिंह इंटरवीन नहीं करते। वो आयुर्वेद घोटाले से दूर दूर तक आदरणीय मुलायम सिंह जी का कोई मतलब नहीं था। स्वास्थ्य मंत्री बलराम यादव थे, जो हमारे गृह जनपद आजमगढ़ के थे। तो ये मामला झूठा हो सकता है या हाई भी अतिरंजित हो सकता है, लेकिन इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। लालू जी जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, जनता दल के, और अध्यक्ष होने के नाते प्रधानमंत्री उनको बनना था, लेकिन किसी षड्यंत्र के तहत उनकी जगह जनता दल का एक सुवाई नेता देवगौड़ा प्रधानमंत्री बन गया। तो उसे हरदम ये आशंका रहती थी कि पता नहीं लालू यादव कब क्या कर दें। और लालू जी ने उसका प्रतिशोध लिया कि मुलायम सिंह जी का प्रधानमंत्री घोषित करके सूर्जी तुरुस गए और सिर्फ शपथ लेना था। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को लोग भावी प्रधानमंत्री का चित्र लेकर के गए और ओथ की जगह उनको डिथ्रोन कर दिया गया दूसरे दिन सवेरे, क्योंकि सुरजीत रूस में थे। और उनको प्रधानमंत्री न बनने के उपक्रम में अग्रणी भूमिका, मतलब लोहे को लोहे ने काटा, शरद यादव और लालू यादव ने मिलकर मुलायम सिंह का अभिषेक रुका। ये ऐतिहासिक तथ्य है, इसमें कहीं मोदी नहीं है। मोदी तो उस समय गुजरात के भी मुख्यमंत्री नहीं थे, उस समय केशुभाई पटेल की सूती बोलती थी, भाजपा के महामंत्री भी नहीं थे, दूर दूर तक कोई कुछ नहीं थे। इसलिए सोच के तथ्य पर इतिहास को देख करके लोग बोले, वो चर्चा नहीं है। युवाओं के नजरिए से सवाल पूछ सकते हैं, शक्ति जी ये सही बात है, हमारा विषय नहीं है। अब मुझे युवाओं की ओर से एक सवाल पूछ दीजिए ना, ये आपकी पूछेंगे, वो खुद पूछेंगे। ठीक है, तो मैं भी तो हूँ ना युवा का, अखिलेश युवा, राहुल युवा, पर मैं युवा नहीं, बस ये अच्छा है। राहुल युवा, अखिलेश युवा, शहजादी, आप किशोरा किशोर अवस्था में ही सभी मुझे पूछने दीजिए। मैं आपको सारी अवस्थाएं बताता हूँ आपको, और आपकी व्यवस्थाएं भी बताता हूँ। अब बहन जी मुझे बोलने तो दीजिए, आप लोग लगातार बोलते, मैं सुनता हूँ। भाई साहब बोलो, अच्छा देखिए, मैं इनका गठबंधन का चित्र देख रहा था, कर्नाटक वाला। तो गठबंधन की आग बहुत है यार, क्यों इतना संविधान जी, या तो हाथी अपनी सूंड को 2 मिनट के लिए शांत कर दे, या मुझे बोलने दे। यार देखो, ऐसा है, युवाओं की बात, मैं अपनी बात रखना हूँ, तो युवाओं की बात देखिए। मैं कर्नाटक का पेट में दर्द क्यों, मैं कर्नाटक डर क्यों लग रहा है। संविधान जी देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, मुझे बोलने का अधिकार दिया जाए। ये देखिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं देख रहा था तस्वीर कर्नाटक की। अब मैं बोलूंगा तो बोल पड़ेंगे, देखिए बीच नहीं नहीं आप ही बोलिए। देखिए अब तस्वीर में कौन था, ये फ्रीडम के बाद बार बार क्यों पुकार रहे हैं इनको बोलने के लिए, बोलते ये तस्वीर में कौन कौन था। देखिए ये जानबूझ के करेंगे, क्योंकि मैं बोलता हूँ ना, पुकार रहे हैं, जानबूझ के करेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री, जानबूझ के करेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री ने एक बार पार्लियामेंट में जिक्र किया था, हम कामदार है तो नामदार की हैसियत नहीं है हम लोगों की कि हम नामदार से कुछ बोले, तो ये बोलने भी नहीं देंगे, सुनने देंगे भी। भाई बोलो, पर मैं बोलता हूँ। अब आप देखिए कि तस्वीर में कौन कौन था उस कर्नाटक की तस्वीर में। हाँ। एक था लालू का बेटा, दूसरा था मुलायम का बेटा। हाँ। तीसरा था देवेगौड़ा का बेटा, चौथा था राजीव गांधी का बेटा, शब्दों का पांचवा था अजीत सिंह, शब्दों का चयन किया, ये गलत है, बहुत गलत कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ। वो उनका बेटा नहीं है क्या, वो उन्हीं का बेटा है ना, तो मैं उन्हीं का बोलूंगा। और पांचवे थे अजीत सिंह का बेटा। मैं सोच रहा हूँ कि वहां पे ये जो गठबंधन है नामदारों का, वहां पे कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो 4-5 चीजें अपनी गिना सके। मैं 5 चीजें कामदार की गिना चाहता हूँ। बेटा बचाओ आंदोलन, क्या जानना चाहते हैं,
अरे वो देश बचाने के लिए वो जातिवादियों का गठबंधन है, परिवारवादियों का गठबंधन है, देश का गठबंधन है। देखिए मुझे आप अलविदा करिए। बाबुल सुप्रियो जाना चाह लड़के चल रहे थे, हाँ। वो साइकिल पे चलते चलते साइकिल पंचर हो गई, तो एक नौजवान ने कहा मेरे कैरियर से तो उतर जाओ, हाँ। तो उतार दिया राहुल जी को कैरियर से, और उनका करियर भर अभी रफाल पे अटका हुआ है, हाँ। पर मैं पूछना चाहता हूँ, हाँ। मोहतरमा आप मुझे बताइए कि हाथ को था मोहतरमा ने क्या, बहन मेरी आप मुझे ये बता दीजिए कि हाथी प्यारा या हाथ, हाथ के साथ जाएंगी या हाथी, अगर चुनाव करना है दोनों के बीच, और आज आपको चुनाव ही करना है, ये यक्ष प्रश्न है आपका कि आपको बहन प्यारी, बहन जी प्यारी है, बुआ प्यारी है, या आपको वो लड़का प्यारा है जिसको करियर से उतार कर करियर खत्म कर दिया। नियत पे मुझे शक है, मेरी नियत को छोड़ दीजिए, साफ नियत है कि नहीं है, ये साफ नियत है कि नहीं है, जनता ने जवाब दे दिया है कि ये हमारी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, जैसा अमर सिंह जी ने हम लोगों को गाइड किया है और सिखाया है, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बच रही है कि जवाब दे रही है, शेयर करेंगे, बच रही है कि जवाब दे रही है, आप जवाब मांगो, आप मांगे नहीं, सुन लीजिए, सुनिए बात तो, सुनिए बात नहीं कहने वाले, हाँ कहना चाहिए जैसा अमर सिंह जी ने सिखाया है, सीख करके निकाल दिया, गुरु को गुरु दक्षिणा ये दी, पीछे पहली लात दूसरी लात, अरे सर राज्यसभा पहुंच गए कितनी बार, क्या और गुरु दक्षिणा चाहिए, इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहूं, पार्टी ने इतना तेरा मेरा शीशे का घर, तेरा मेरा शीशे का घर, मैं भी सोचू तू भी सोच, फिर तेरे हाथ में पत्थर, मैं भी सोचू महागठबंधन वगैरह बाकी सब सारी चीजें छोड़ दीजिए, एक अहम सवाल जो मैं नया पॉलिटिशियन हूँ, अभी पॉलिटिक्स सीख रहा हूँ, 40 साल आया हूँ, बड़े बड़े हस्ती लोग बैठे हुए हैं, ये डायलॉग भी उन्हीं से सीखा हुआ है, तो ये इस बात में हम पुष्टि, इस बात को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, ये इन्होंने ममता दीदी ने कह दिया है, मायावती जी ने भी वो बात कह दी है, और देखिए दीवारों की भी कान होते हैं, आप कभी आके, आप लोग बड़े जर्नलिस्ट हैं, आपको सेंट्रल हॉल के पासेस तो आपके पास होंगे ही, आप वहाँ पे आके बैठिए, देखिए कांग्रेस के नेता लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं, तो ये पहली बात तो यह है कि ये सरकार ऐसा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे मुश्किल निर्णय ले रहे हैं, जहाँ पे कठिन निर्णय ले रहे हैं, जिसमें वोट बैंक की तरफ नज़र हटा के देश का क्या भला हो सकती है वो सोच रही है, पाने के लिए अलायंस तय नहीं कर पा रहे छत्तीसगढ़ में अलग, मध्य प्रदेश में, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं युवाओं को और मुझे इससे लेना देना है कि ये लोग नीति कैसे तय करेंगे और नेता कैसे, जैसे प्रधानमंत्री इनका बन गया तो ये 6 दिन के बाद बोलेंगे मेरा टर्न आया चलो उठो तुम, ये नीति बोलेंगे, एक बोलेगा कि दलितों की नीति होगी, एक बोलेगा ब्राह्मणों का डीएनए है मेरे में, तो ये कौन सी सामाजिक नीति पे काम करेंगे ये सवाल भी क्लियर नहीं है, और आर्थिक नीति पे तो कुछ लोग कहेंगे कि बेचारा हो गया देश, बेचारा हो गया, इजाजत है तो बेचारा हो गया, जैसे नोटबंदी में हो गया, अब नोटबंदी का इनको व्यक्तिगत बहुत इजाजत है, राजस्थान देश का सबसे बड़ा संस्थागत भ्रष्टाचार, और ये पार्टी का पक्ष है, अगर पार्टी नहीं है तो रखने की मजबूरी भी नहीं है, मैं तो स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि बड़ा दिल जीवन के हर क्षेत्र में रखना चाहिए, सिर्फ राजनीति में नहीं, परिवार में भी बड़ा दिल रखना चाहिए, बिना नाम लिए मैं कह रहा हूँ, परिवार को भी एक रखना चाहिए, और बड़ों को खुश होना चाहिए अगर छोटों को बड़ा पद मिल जाए, और छोटों को बड़ों का सम्मान करना चाहिए अगर बड़े पद से हट जाए, जब तक इस तथ्य को हम गुणात्मक तरीके से नहीं समझ पाएंगे तब तक कोई गठबंधन नहीं होगा, और अगर होगा भी तो चलेगा नहीं, मैं अपनी बात जानता हूँ, मैं बहुत देर तक बहुत संलिप्तता के साथ कहीं जुड़ा रहा, अब पहले तो मायावती जी और मुलायम सिंह जी का मुकदमा ही खत्म हो जाए, गेस्ट हाउस कांड का जो सुप्रीम कोर्ट में 25 साल से चल रहा है, तो ये जो सेलिब्रिटी हैं, और उन्होंने क्या कहा उसको भी परिप्रेक्ष्य में लेना चाहिए कि उनको उस नेतृत्व से शिकायत नहीं थी, कुछ अन्य लोगों से उनको शिकायत थी जो बीच के नेता थे जिन्होंने कुछ कहा, और मायावती जी बहुत ही एक बेबाक और आउटस्पोकन, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है जिसका राष्ट्रव्यापी प्रभाव है जो हर जगह उसका कहीं ना कहीं, यानी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, समस्या क्या हो गई है कि सबसे बड़ी पार्टी का जो नेता है वो आयु अनुभव परिपक्वता वरिष्ठता में सबसे छोटा है, अब आप सोचिए किसी भी पैरामीटर पर राहुल गांधी जी, शरद पवार जी, ममता बनर्जी जी, मायावती जी या देवगौड़ा जी के कहीं औने पौने पर भी खड़े हो सकते हैं, तो अब समस्या यह है
कि जो पार्टी अपना नेतृत्व चुनने में बड़ा मन नहीं दिखा सकी, जो बड़ी पार्टी का नेता सबसे छोटा, तो उससे आप बड़े मन की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? और ये एक अंतर्निहित विरोधाभास है, ये एक अंतर्निहित विरोधाभास है महागठबंधन में, जिसे हम कहते हैं ना, ये फंडामेंटल सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो कांग्रेस बन सकती थी उसमें वो एलिमेंट ही नहीं है, इसलिए किसी भी प्रकार की वो समस्या अनुभव के लिए है। अच्छा, अब और देख लीजिए जो इन्होंने कहा, लालू यादव जी की बात मैं याद दिलाना चाहता हूं, जो बहुत यंग लोग बैठे हैं उन्हें वो वक्त तो नहीं याद होगा, पर कौन सा ऐसा नेता था इस देश का जिसने कहा डोंट कास्ट योर वोट, वोट योर कास्ट? किसने बोला था? गलत, लालू यादव जी ने। एक असेटमेंट लालू यादव जी ने कहा था, मैं भूरा दाल निकाल रहा हूं, ये चार जातियों का नाम था। हस्तक्षेप हस्तक्षेप हस्तक्षेप, बाबुल सुप्रियो अपना पक्ष रखें। ये महागठबंधन या जो भी फर्स्ट फ्रंट, सेकंड फ्रंट, थर्ड फ्रंट, फिफ्थ फ्रंट, सेवेंथ फ्रंट, नाइन्थ फ्रंट, अपना जब तक चुनाव आ जाती है, जो भी 12th 13th जो भी फ्रंट बने, आपको एक चीज़ का याद रखना पड़ेगा कि कुर्सी में प्राइम मिनिस्टर चेयर के में बैठने की जो एम्बिशन है, ये इन महागठबंधन के सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस के अंदर ना माया ना ममता, ये दोनों चीज़ जो है ये बख्शेंगे नहीं। जब जब व्हेन इट कम्स टू सिटिंग ऑन दैट पर्टिकुलर सो कॉल्ड थ्रोन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, उसमें पॉलिटिक्स आगे और देश जाए जहां भी। आजम खान वो कह रहा है अमर सिंह और अमर सिंह जैसे लोग, इनकी बेटियों को नंगा करके जब तेजाब से नहलाया जाएगा, इनकी बीवियों को घर से खींच के जब टुकड़ों में काटा जाएगा, और अंकल कहते हैं आप, हमारी बेटियां आपकी बहन हुई, रक्षाबंधन के दिन पे आना है। वर्षों राजनीति की है तो तब आपने कुछ नहीं कहा, तब शायद सुविधाजनक रहा होगा। अगर मुद्दे इस समय देश के 48 वर्षीय युवा नेता राहुल गांधी जी ने युवा नेतृत्व के लिए एक बड़ा बीड़ा उठा रखा है, एक बहुत बड़ा बीड़ा उठा रखा है। उन्होंने तय कर लिया है, देखिए सबसे पहले उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक युवा नेता उमर अब्दुल्ला के साथ गठबंधन किया, उनका काम खत्म हो गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी के साथ किया, वो सरकार से चले गए। उसके बाद हार्दिक, अल्पेश और जिग्नेश, उन तीनों को गुजरात में उन्होंने व्यवस्था कर दी। उन्होंने तय कर लिया है मैं किसी युवा को राजनीति में प्रभावी स्थिति में नहीं रहने दूंगा, ताकि मेरा एक छत राज्य जो है वो बरकरार रहे। अब मैं एक बात और कहना चाहता हूं, सुनिए, अभी तेजस्वी को भी अगर हमारी प्रति जो बातें कही जा रही हैं महागठबंधन, तथा कथित महागठबंधन के द्वारा, तो उन्हें महागठबंधन करने की जरूरत पड़ती। अगर उतना ही लगता जनता हमारे खिलाफ है तो उन्हें जरूरत पड़ती, तब सब हाथ इसीलिए मिला रहे हैं। और अभी हमारे मित्र ने कहा कि जनता ने यह तय कर लिया है कि नए हाथों को देना है। अब भैया ये नया हाथ है कौन? आपको याद होगा, अब हम लोगों के बचपन में तो आता था, आप लोगों के टाइम में होता है कि नहीं, एक क्विज कॉन्टेस्ट आता था। पढ़ने का विरोध तो बहुत राजनीतिक दलों में रहा, परंतु जानी दुश्मन एक दूसरे के हो गए हों, सीधे मेरे जान लेना चाहते हैं यह आरोप लगाया गया हो एक नेता द्वारा दूसरे को, ये एकमात्र बार रहा। और मजेदार बात यह है, मुझे 100% दावे के साथ नहीं कर सकता, पर जहां तक मेरी जानकारी है भाई, जो स्टेट गेस्ट हाउस कांड में मायावती जी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, मुलायम सिंह जी के पार्टी के लोगों के द्वारा, उसके बाद जेट सिक्योरिटी मिली थी उनको। बिल्कुल, यानी आप ये समझ लीजिए कि जानी दुश्मन एक हो रहे हों और उसके बाद कहें कि साहब वो तभी एक होते हैं जब जान पे बनाती है।
अच्छा आप काम पे बात करिए ना, ये युवा बैठे हैं इनको सब समझ में आता है, आप इनको बताइए ना क्या काम किया है। ये जीरो सीट वाले बोल रहे हैं, ये जीरो सीट वाले बोल रहे हैं। बहुत अच्छी बात, जीरो की भी वैल्यू होती है, जीरो सीट होने जीरो की वैल्यू। अरे मेरे भाई, तीसरे नंबर की पार्टी है हमारी, चलो नहीं ये राहुल जी पैसे नहीं है, हम हारे पर हम नैतिक जीते। देखिए साइकिल पे दो नौजवान लड़के चल रहे थे, वो साइकिल पे चलते थे। अगर जोड़ तोड़ के आप तो बना सकते हैं, उम्मीद करिए कि फेलियर हो बनेगा तो जरूर खड़ा है आपके सामने, बन जाए तो भी महाफेलियर होगा। विकास की बात क्यों नहीं करते, रोजगार की बात क्यों नहीं करते, बढ़ते पेट्रोल कीमतों की बात नहीं करते, नीति बताइए। अब देखिए उसके बाद कहां से आ गए राम पे। मैं पूछना चाहता हूं, महागठबंधन ने कभी कहा कि हम 15 लाख ला के देंगे? कभी ये कहा कि हम इसलिए महागठबंधन में आए? तथाकथित सांप्रदायिक शक्तियों को हराने के लिए धर्म निरपेक्ष शक्तियां एक हो जाए। जो धर्म निरपेक्ष होने की बात करते वो भी धर्म की बात कर रहे थे पहले कौरवों की, फिर राम पे आ गए। यही तो समस्या है, इनकी नीति पूछिए। कभी भाजपा से बेहतर शासन देंगे, कभी नहीं कहा भाजपा से ईमानदार शासन देंगे, कभी नहीं कहा हम भाजपा से बेहतर रोजगार देंगे, कहेंगे सेकुलर ताकतों को मजबूत करना इसलिए एक हो जाओ। भैया सांप्रदायिक विकास को हटा के सांप्रदायिकता मुद्दा आप बना। और मजेदार बात ये है, राहुल गांधी जी ने गठबंधन सहयोगियों को जो पहली दावत दी थी वो कब दी थी? रोजा अवतार के मौके पे। और वो इतना मजेदार था, गुनाह किया उन्होंने? नहीं कोई गुनाह नहीं, गुनाह किया नहीं, नहीं मैं बता रहा हूँ क्या किया। जो जवाब तो सुन लीजिए, जो बुलाने वाले थे राहुल गांधी जी वो रोजेदार नहीं थे, जिनको बुलाया गया शरद पवार, मायावती जी, ममता बनर्जी जी, ये भी कोई रोजेदार नहीं था। तो भैया ना बुलाने वाला रोजेदार, ना आने वाला रोजेदार, और ये खामखा का रोजा अवतार ये किया था उन्होंने। तो मैं कहना चाहता हूँ जो धार्मिक भावनाओं का मजाक उड़ाते हैं भाई, आपने सिर्फ इन्हीं को देखा है ना, और तो किसी को आप देखते ही नहीं। वहां पर जो लोग आए थे उन्होंने रोजा रखा था, और रोजा का कार्यक्रम कोई भी रख सकता है, नियत साफ होनी चाहिए। नियत ये नहीं होनी चाहिए हम मंदिर में जाए या मस्जिद में जाए, कैमरा ले जाए, कैमरा ले जाए। आप बोलिए राहुल गांधी ने रोजा रखा था क्या? मस्जिद में बात बोलिए राहुल गांधी ने रोजा रखा था? जापान के प्रधानमंत्री जी ने रोजा रखा था? ये कैमरा वाला काम नहीं करता, बताइए ना क्या अखिलेश यादव जी ने रोजा रखा था? नहीं रोजा रखना है, व्रत रखना गुनाह है? कोई गुनाह नहीं है। तो आप बात क्यों रहे हैं बोलने में? क्या मतलब बात क्यों रहे हैं? आप ये कह रहे हैं रोजा रख के रोजा अफ्तार किया तो बोलिए मैंने रोजा रखा? आप बांटने का अगर नहीं किया तो मजाक क्यों उड़ाते हैं? बांटने की बात करते हैं, रोजा रखा नहीं, मजाक तो आप उड़ा रहे हो। मजाक आप मजाक उड़ा रहे हो, जैसे आप रोजे का भी उड़ा रहे हो, नमाज का भी उड़ा रहे हो, आप मजाक उड़ा रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, रोजा रखा नहीं होता कर रहा, यानी हमारे नवरात्र की राजनीति कर रहे हो, रखते नहीं शाम को बांटने की राजनीति कर रहे हो, हिंदुस्तानियों को बांटने की राजनीति आप कर रहे हो। देश गांव मांस पे धर्म पे नहीं चलेगा, देश जन सरोकारों से चलेगा, देश चलेगा रोजगार से, देश चलेगा रौब से, इज्जत से। हम लाए हैं तूफान से किस्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों।